दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे कि अगर आप भी अपने जाति को लेकर अनजान है और आपको नहीं मालूम है कि आप कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। अक्सर होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई आप फॉर्म भरे और उस फॉर्म में आपको जाति कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो जाति को लेकर काफी जो है परेशानी देखने को मिल जाता है। कभी कभी जाति गलत भी सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भी अपने जाति को लेकर अनजान है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे बारीकी से बताने वाला हूँ कि कौन से व्यक्ति कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं और कौन से जाति के लोग कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो पूरे विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप भी अपने जाति को लेकर अनजान है और आप पूरे विस्तार से जानना चाह रहे हैं कि आप कौन से जाति के कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूं। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट इस आर्टिकल पे आ जाएंगे। अब इस आर्टिकल पे आप जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार जाति सूची 2023 ऐसे पता करें जाति कैटेगरी BC1 EBC BC2 SC ST। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल दिया गया जिन्हें आपको पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जाने इस पोस्ट में क्या है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया बिहार कास्ट लिस्ट 2023 जनरल BC1 EBC BC BC2 SC ST जाति कैटेगरी पता करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार कास्ट लिस्ट 2023 संक्षिप्त परिचय और यहाँ पे दोस्तों जाने जाति कितने भागों में विभाजित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 1 के अनुसार BC1 या EBC। अब ये BC1 या EBC क्या होता है इसके बारे में आपको पूरे जानकारी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों के पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 2 के अनुसार BC2 या BC। उनके बाद यहाँ पे दोस्तों के अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST। उनके बाद यहाँ पे देखें सामान्य जाति जनरल कास्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया जाने किस जाति को कितनी छूट मिलती है। तो पूरे जानकारी इसमें दिया गया, तो आपको एक एक करके इस आर्टिकल को पढ़ना होगा। अब जैसे आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए संक्षिप्त परिचय देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जाने जाते कितने भागों में विभाजित है, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि 200 बिहार में लगभग 200 से भी अधिक जातियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इनको 4 कैटेगरी के अंतर्गत विभाजित किया गया। विभाजित कुछ इस प्रकार से किया गया जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 1 के अनुसार BC1 या EBC या OBC। अब मान लीजिए कि आप कहीं फॉर्म भर रहे और वहाँ पे BC1 या EBC देखने को नहीं मिल रहा है तो उस जगह आप OBC सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे यहाँ पे पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 2 BC2 या BC या OBC। अब मान लीजिए कि आप कोई फॉर्म भर रहे उस जगह आपको BC1 या EBC या BC2 या BC इस तरह से आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है तो आपको OBC सेलेक्ट करना होगा। लेकिन उसका दूसरे यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST सामान्य जाति EWS या जनरल कास्ट। अब ये जो BC1 EBC OBC या BC2 BC OBC उसके बाद SC ST जनरल कास्ट इस समय कौन सी जाति आते हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस तरह से इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे दोस्तों बताया गया बिहार कास्ट लिस्ट 2023 अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 1 के अनुसार BC1 या EBC। अब इस लिस्ट में जो भी व्यक्ति का नाम होगा उसका जो सो BC1 या EBC दोनों एक ही होते हैं तो इनमें आपका जो सो नाम आएगा। अब कैसे पता करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कपरिया कानू कलंडर कोच कुर्मी केवट कादर कोरा कोरकू उसका कवर केवर्त उसका खटवा, तो इस तरह से आपको चेक करना है आपका जहाँ भी नाम होगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप जो सो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आएंगे यानी कि BC1 या EBC में। उसके बाद दोस्तों अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है तो आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे दोस्तों ये जो नाम दिया गया ये आपका रियल नाम नहीं है, आपका ये सरनेम है जो आपका जाति का नाम होता है वो नाम यहाँ पे दिया गया, तो आप इनसे पता कर सकते हैं कि आप कौन से जाति के अंतर्गत आएंगे। अगर आपका एक वाले में नहीं मिलता है तो आपको दूसरे में आना है और यहाँ देखिए पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 2 के अनुसार BC2 या फिर BC। अब इसमें जैसे देख सकते हैं कागजी उसका कोस्ता गद्दी घटवार उसका देखिए चनऊ जदुपतिया, तो इस तरह से आपको इसमें चेक कर लेना। तो अगर आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नहीं मिलता है, पिछड़ा वर्ग में अगर आपका मिलता है तो आप जो है पिछड़ा वर्ग में आएंगे, अगर पिछड़ा वर्ग में भी नहीं मिलता है तो आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति यानी SC, तो यहाँ पे देखिए SC का बताया गया बंतार उसके बाद बोरी भोगता इस तरह से दिया गया, तो आप इन्हें पढ़ के पता कर सकते हैं कि आप कौन सी जाति के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है, अगर आपका अनुसूचित जाति में नहीं मिलता है तो आपको अनुसूचित जनजाति में आपको ढूंढना होगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से
पढ़ सकते हैं। अगर आपका इन सब में से किसी में भी नहीं मिलता है तो आपको इस तरह से सामान्य जाति में ढूंढना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामान्य जाति में अन्य, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कास्ट, सैयद, शेख, पठान, खत्री, सिंधी, तो ये सब व्यक्ति जनरल कास्ट में आते हैं, सामान्य जाति में आते हैं। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए बताया गया कि जाने किस जाति को कितनी छूट मिलती है। तो अगर हम छूट की बात करें तो यहाँ देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं उन्हें न्यूनतम जगह पर ही छूट दिया जाता है। कहीं कहीं छूट दिया जाता है उसी जगह। दोस्तों अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपको हर जगह छूट देखने को मिलेगा, और अगर आप सामान्य जाति से आते हैं तो आपको कहीं भी छूट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सामान्य जाति से आते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब है या दयनीय है तो आप EWS के तहत 10% आरक्षण यानी छूट के लिए अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे देखिए वीडियो देखने को मिलेगा, तो आप ये वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आप बिहार कास्ट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बिहार कास्ट लिस्ट डाउनलोड क्लिक है, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे क्लिक दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बिहार कास्ट लिस्ट दिया गया, तो आप इन्हें डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस कास्ट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक जानकारी था बिहार कास्ट लिस्ट को लेकर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।